बात भ्रष्टाचार की हो या बढ़ते अपराध की, सच दिखाने का रखते हैं दम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 12 से मुखिया प्रत्याशी महिला उम्मीदवार मोहम्मदी बेगम पति जाकिर हुसैन, ग्राम पंचायत सबदलपुर वार्ड नंबर 12, प्रखंड कस्बा जिला पूर्णिया, पंचायत के योग्य शिक्षित, कर्मठ, ईमानदार, सहनशील और कर्मशील एवं लोकप्रिय समाज सेवी महिला उम्मीदवार मोहम्मदी बेगम का चुनाव चिन्ह टेम्पो छाप क्रम संख्या 4 पर नीले बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। मोहम्मदी बेगम जी का कहना है कि वो इसलिए मुखिया पद का चुनाव लड़ रही हैं ताकि मेरे चुनाव लड़ने का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज का विकास होगा। पंचायत स्तर के मुखिया पद के विभिन्न प्रकार का सरकारी फंड जनता के साथ विकास करूंगा। मैं मानवता के आधार पर विकास पर ध्यान रखूंगी, जैसा कि पेंशन की व्यवस्था, मवेशी एवं बकरी भवन की व्यवस्था, राशन कार्ड बनवाने की व्यवस्था, इंदिरा आवास योजना एवं BPL तथा गली नली में सॉल्विंग का विकास करवाएंगे। सभी योजना का लाभ गरीब से गरीब आदमी तक दिलाया जाएगा। हर समय सुख और दुख में साथ रहकर समाज की विकास पर ध्यान रखूंगी। सिर्फ एक बार में पंचायत वासियों के समस्त परिवार से जीत का आशीर्वाद मांगती हूँ। पंचायत वासियों को दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं, मेरे पूर्णिया से खास रिपोर्टर मोहम्मद नौशाद के साथ। मैं आई हूँ यहाँ पे ग्राम पंचायत सबदलपुर। आइए बात करते हैं प्रत्याशी मोहम्मदी बेगम से। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आप जो है मुखिया प्रत्याशी से उठे हैं, तो आप क्या क्या काम कीजिएगा मुखिया के प्रत्याशी की जीत होने के बाद? काम करनी है। अच्छा, हाँ। और सड़क जो है वो कीजिएगा, सड़क निर्माण जो है सब करेंगे। अच्छा, उसके बाद और क्या क्या कीजिएगा आप? आंगनबाड़ी वगैरह देखिएगा। अच्छा, आप पहली बार मतलब मुखिया प्रत्याशी में मतलब आए हैं या फिर पहले भी थे? अच्छा, पहली बार आपके पति जाकिर हुसैन जी जाकिर हुसैन जी उठे थे, तो क्या उनको जीत मिली थी? अच्छा, उस बार भी जीत गए थे। इस बार आपको क्या उम्मीद है मैम? जीतिएगा। अच्छा, जीतने के बाद क्या क्या काम कीजिएगा आप? अब लोग को सब काम कर लेंगे। अच्छा, और सब पंचायत में करते हैं सब। आपके पंचायत में हम जैसे घुसे, मैंने देखा कि आपका जो पंचायत में आपका जो सड़क जो है वो बहुत खराब है, क्या आप वो बनवाइएगा? बनवाइएंगे। अच्छा, सब कीजिएगा जीतने के बाद। सब करेंगे, बिल्कुल भरोसा रखिए मैम, आपकी जीत होगी। और प्राइम टीवी के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक।